सुप्रभातम भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे यण संधि के बारे में। इसका सूत्र है इको यणची। सूत्र के द्वारा इसमें स्वर व्यंजन इक के स्थान पर यण हो जाता है। माहेश्वरी सूत्र ई ओब्लिक ई, ऊ ओब्लिक ऊ, री ओब्लिक री, री ओब्लिक ल। ल हो जाता है। तो इसी प्रकार इस पूरी संधि के अंतर्गत य व र ल की ध्वनि आती है। पूरे शब्दों में य व र ल की ध्वनि आती है। तो क्रमशः यण वर्ण होते हैं और जहाँ यण वहाँ शब्दों में यण संधि होती है। इनके उदाहरण में देखेंगे, जैसे पहला है ई ओब्लिक ई प्लस य, अच, इसमें असमान स्वर वर्ण आते हैं। उदाहरण देखेंगे, अति प्लस उत्तम, ई प्लस ऊ बराबर अत्युत्तम, य की पूरे शब्दों में य की ध्वनि, इति प्लस अत्र इत्यत्र, इति प्लस आदि इत्यादि, इति प्लस अलम इत्यलम, यदि प्लस अपि यद्यपि, चार शब्द आप होमवर्क में करेंगे। आ के ऑप्शन में हम देखेंगे ऊ ओब्लिक ऊ प्लस अच हो जाता है। इसके अंतर्गत पूरे शब्दों में व की ध्वनि आती है। अनु प्लस अयह अन्वयः, सु प्लस आगतम स्वागतम, मधु प्लस अरिह मधुवरी, गुरु प्लस आदेश गुरुवादेश, साधु प्लस इति साध्विति। इसी तरह से पूरे शब्दों के अंतर्गत व आता है। तीसरे में पढ़ेंगे री प्लस री ओब्लिक री प्लस अच, यानी कि असमान स्वर, तो उसके अंतर्गत री की ध्वनि आती है। पितृ प्लस ए पित्रे, मात्र प्लस आदेश मात्रादेश, पूरे शब्दों में री की ध्वनि आएगी। धात्र प्लस अंश धात्रांश, मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, भात्र प्लस उपदेश भातृपदेश। चौथा जो है उसको पढ़ेंगे री, री प्लस अच, यानी कि अच का मतलब होता है असमान स्वर। असमान स्वर के अंतर्गत री प्लस असमान स्वर कोई भी हो सकता है। री प्लस आकृति लाकृति, री प्लस अनुबंध लनुबंध, यानी कि असमान स्वरों से युक्त री की आकृति होती है, तो वहाँ शब्दों में यण संधि होती है। अर्थात इसको हम आज होमवर्क में करेंगे और इसको पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद। सही नहीं है सही, करनी सही है, सही नहीं है। आपका वीडियो थोड़ी आ रहा है, वीडियो तो नहीं आ रहा है तो